नमस्कार प्रिय साथियों, आप सभी का स्वागत है सीवीटी पाठशाला में और मैं मानस मिश्रा आप सभी के सामने हाजिर हूँ एक नए टॉपिक के साथ। आज मैं आप सभी के सामने बातचीत करने वाला हूँ सीवीटी पीजी हिंदी की रणनीति के बारे में, उन रणनीतियों में क्या क्या शामिल होगा और उसमें किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं विगत वर्षों से। उन सभी चर्चाओं के साथ आप सभी निराला बैच से जुड़े हुए हैं इस समय और निराला बैच के माध्यम से आप सभी तक मेरा मकसद यही है कि आप सभी सीवीटी पीजी हिंदी की तैयारी करें। 2025 का टारगेट है हम लोगों का। जो एमए की तैयारी करना चाहते हैं हिंदी विषय से, बीए सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर में जो भी पढ़ रहे हैं या फिर कहीं से भी तैयारी कर रहे हैं, उन सभी के लिए वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। और इसलिए भी क्योंकि पिछले वर्ष जिस प्रकार से एनटीए जो कि एक संस्था है जो कि चला रहा है पेपर एग्जाम करवा रहा है, तैयारी करवा रहा है आप सभी की, तो मैं चाहता हूँ कि आप सभी को कोई भी दिक्कतें ना झेलनी पड़े और कोई भी सामना ना करना पड़े मुसीबतों का, ठीक है। तो इसलिए मैं निराला बैच के माध्यम से आप सभी के सामने हाजिर हूँ, जिसमें जो 100 घंटे की कक्षाएं हैं, ठीक है, और विषयानुसार जो पेपर हमारा सेकेंड है उसकी तैयारी करवा रहा हूँ, जिसमें आपके टॉपिक्स के सारे टेस्ट सीरीज हैं, असीमित बार देखने की सामग्री है, सारी की सारी सामग्री आप ये जो पाठशाला ऐप से आप डाउनलोड कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट में। आगे मैं, यदि कोई भी विद्यार्थी चाहता है कि हमारे बैच से ज्वाइन होना, तो वो इस दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। तो सीवीटी एमए पीजी हिंदी की तैयारी निराला बैच से आप करना है। इसमें देखिए मेरे सर हैं तो क्या कहूँ इनको, खैर। तो सीवीटी एमए हिंदी के लिए जो मुख्य मुख्य बातें मैंने आप लोगों को बताई थी कि आप कैसे मतलब तैयारी कर सकते हैं, शुरुआत कर सकते हैं, कौन कौन सी पुस्तकें हैं, ठीक है, तो पुस्तकों की जो वीडियो है वो मैंने पहले ही बनाकर दे दी है आप लोगों को, ताकि आप जो घर बैठ के तैयारी करना चाहते हैं वो आप इन पुस्तकों के माध्यम से कर सकते हैं। और शुरुआत कहाँ से करें, कैसे पढ़नी है हिंदी, उन सभी के बारे में चर्चा कर चुका हूँ। आज मैं बात करूंगा कि विगत वर्षों से क्या पैटर्न रहा है सीवीटी पीजी हिंदी का एमए की तैयारी के लिए। ये मेरा छोटा सा परिचय है, तो आप सभी देख सकते हैं वीडियो पॉज करके कि कौन कौन सी परीक्षाएं मेरा यूजी पीजी दोनों बीएचयू से रहा है, बीएसटी में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से कर रहा हूँ इस समय। और मेरा जो शोध का विषय है वो है एक भाषा चिंतन पर, ठीक है, तो भाषा की जो बहुत बड़ी परंपरा है उस पर मेरा काम है। और सीवीटी पीजी हिंदी में बहुत सारे पैटर्न है जिसको आप जान लीजिए कि किस प्रकार से हमको प्रश्नों को हल करना है। एक होता है कि हमको सीधे सीधे चार विकल्प दिए गए हैं, उनको डायरेक्ट ए बी सी डी विकल्प दिए गए हैं, उनमें से कोई एक विकल्प हमको आ रहा है वही उत्तर सही है तो हमको सीधे टिक कर देना है। दूसरा तरीका ये होता है कि निम्न में से कौन से विकल्प गलत हैं, ठीक है, तो उसमें से ये हमको पता होता है कई बार कि एक विकल्प सही है एक विकल्प गलत है, ठीक है, तो जो विकल्प गलत हैं उनमें से क्या पता बी सी या ए डी ऐसे कोई विकल्प होते हैं, कॉम्बिनेशन कौन कौन से बन सकते हैं उनके बारे में बातचीत कर सकते हैं। आजकल का जो पैटर्न चल गया है वहां पे हमको एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, बल्कि पांच विकल्प मिलते हैं, ए बी सी डी और ई। इनमें से पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन से विकल्प सही हैं, कौन से विकल्प गलत हैं, निम्नलिखित में से कोई दो विकल्प गलत होंगे या तीन विकल्प सही होंगे, उनको हमें बताना पड़ता है। तो ऐसे प्रश्नों से कैसे आपको डील करना है, ऐसे प्रश्नों से कैसे आप उनको टैकल कर सकते हैं, हल कर सकते हैं, तो उनके बारे में विस्तृत चर्चा करते हैं, ठीक है। पिछले वर्ष जो प्रश्न पूछे गए थे 2024 में जो प्रश्न पूछे गए थे उस पर ये आधारित वीडियो है और इसके माध्यम से समझेंगे कि हम आगे की तैयारी कैसे कर सकते हैं और किन किन माध्यमों की आवश्यकता हो सकती है। तो जो पहला प्रश्न है आप सभी देख सकते हैं कि तुलसी का काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है, यह कथन किस विद्वान का कथन है? तो आप सभी को बताना है कि तुलसी का काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है और यह कथन किस विद्वान का कथन है, ठीक है। आप सभी के सामने चार विकल्प हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य परशुराम चतुर्वेदी जी और आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। तो इन चार विकल्पों में से आपको जो उत्तर सही लगे वो आप कमेंट में दे सकते हैं, ठीक है। तो इसका जो सही उत्तर है, जो समन्वय की विराट चेष्टा, ठीक है, समन्वय वही कर सकता है जो यहाँ का जो भारतवर्ष का लोक नायक वही हो सकता है जो समन्वय कर सकता है, तो ये आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का कथन है, ठीक है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की तीन किताबें जो मुख्य है, जो हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का आदिकाल और हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, तो ऐसी ये चार तीन किताबें जो बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं। इनकी बहुत अच्छी एक किताब है सूरदास पर भी। जो शब्द सामान्य व्यवहार की भाषा में प्रयुक्त ना होकर ज्ञान विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में विषय एवं संदर्भ के अनुसार विशिष्ट किंतु निश्चित अर्थ में प्रयुक्त होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? ये एक व्याकरणिक शब्दावली का प्रश्न है, तो आप इसको समझ सकते हैं।
आंचलिक शब्दावली, पारिभाषिक शब्दावली, साहित्यिक शब्दावली या देशज शब्दावली। तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही होगा? आप सभी को बताया गया है कि जो शब्द सामान्य व्यवहार की भाषा में प्रयुक्त ना होकर ज्ञान विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में विषय एवं संदर्भ के अनुसार विशिष्ट एवं निश्चित किंतु निश्चित विशिष्ट अर्थ जो देते हैं उनको क्या कहते हैं? तो ऐसे शब्दों को, ऐसी शब्दावली को हम पारिभाषिक शब्दावली कहते हैं। जैसे कि हम लोग कहते हैं कि पारिभाषिक शब्दावली में आंचलिकता क्या है, आधुनिकता क्या है, उत्तर आधुनिकता क्या है, आधुनिकतावाद क्या है, आधुनिकता बोध क्या है। तो ये सब क्या है? एक पारिभाषिक शब्दावली है। आंचलिक शब्दावली क्या होती है? देखिए, आंचल से क्या तात्पर्य है? आंचल, एक प्रश्न बनता है कि आंचलिकता से क्या तात्पर्य है और आंचलिक उपन्यासकार या आंचलिक कहानीकार कौन कौन से हैं। तो आंचल होता है किसी भी क्षेत्र का, किसी भी ग्रामीण क्षेत्र का, ठीक है, उसके परिवेश का सांस्कृतिक और सामाजिक अध्ययन जब करते हैं तो उसमें वहां के रीति रिवाज, उनकी बोली, उनकी शैली, उनकी भाषा, उनकी देशजता खासतौर से सब कुछ समाहित होती है, ये आंचलिकता कहलाती है। जैसे आंचलिक हमारे उपन्यासकार हैं, ठीक है, जिनकी तीसरी कसम है फणीश्वरनाथ रेणु, ठीक है, तो रेणु जी आंचलिक कहानीकार भी हैं और उपन्यासकार भी हैं। आगे देखिए, साहित्यिक शब्दावली क्या होती है? साहित्यिक शब्दावली, जैसे हमने कहा कि आधुनिकता क्या है, ठीक है, तो आधुनिकता एक साहित्य से संबंधित है, ठीक है, हम कहें कलाकाल क्या है, कलाकाल क्या है, तो इस समय ये जो शब्दावली है ये एक साहित्यिक शब्दावली है। अगले है देशज शब्दावली। देशज शब्दावली, जैसे हम कहें कि भट्टपन, ठीक है, तो एक बेहूदगी की तरह जो व्यवहार करता है उसको कहते हैं भट्टपन है ये, ठीक है। बहुत सारी और भी अन्य शब्दावलियां हैं। तो मेरा जो समझाने का तात्पर्य है कि एक विकल्प के माध्यम से हम और भी कितने सारे प्रश्न बन सकते हैं, उन तक पहुंचने की कोशिश भी इस पूरे वीडियो में करेंगे। अगला प्रश्न है, आप सभी तो देख सकते हैं कि तुलसीदास द्वारा राम भक्ति को पूर्ण प्रतिष्ठा भक्ति वीरता का वर्णन, ईश्वर के प्रति प्रेम किस शाखा संबंधित है, ठीक है। प्रश्न है कि जिसमें बताया रहा है कि जो तुलसीदास है वो मूलतः किस शाखा से संबंधित है या उनकी भक्ति और वीरता का वर्णन किस शाखा में ज्यादा किया गया है। ऑप्शन है आपके सामने प्रेमाश्रय शाखा, राम भक्ति शाखा, निर्गुण शाखा और सगुण शाखा। तो ये एक विकल्प है। तो चार विकल्प में से आपको कोई एक उत्तर देना है। ये पैटर्न क्या चल रहा है? ये पैटर्न चल रहा है कि चार विकल्पों में से आपको कोई एक सही उत्तर देना है। अभी पैटर्न जैसे जैसे चेंज होगा आप सभी समझते जाएंगे। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ईश्वर के प्रति प्रेम है, ठीक है, वीरता का भी वर्णन है और भक्ति को पूर्ण प्रतिष्ठा भी प्राप्त हुई है। तो ये सारा कार्य जो है राम भक्ति शाखा के अंतर्गत किया गया है, ठीक है। प्रेमाश्रय शाखा जिसको हम कहते हैं, दो शाखाएं चली, एक एक चली निर्गुण शाखा, ठीक है, दूसरी चली प्रेम मार्गी शाखा। प्रेम मार्गी शाखा में क्या हुआ कि प्रेम मार्गी शाखा में हम लोग सूफियों का भी अध्ययन करते हैं, सूफियों का अध्ययन, ठीक है। निर्गुण शाखा में क्या हुआ? निर्गुण शाखा में हम लोग संतों का अध्ययन करते हैं, ठीक है। और सगुण शाखा में दो शाखाएं बढ़ जाती हैं, एक राम भक्त शाखा, एक कृष्ण भक्त शाखा। तो उन्होंने पूछा है कि राम के बारे में, राम भक्ति को पूर्ण प्रतिष्ठा कैसे प्राप्त होती है, तो वो हम राम भक्ति शाखा जो कि हमारे विकल्प दो है, तो विकल्प दो हमारा सही विकल्प होगा। अगला प्रश्न है, जाने से पहले आप सभी जान लीजिए कि जो भी साथी, जो भी तैयारी कर रहे हैं हमारे साथी, तो वो यदि बैच लेना चाहते हैं तो उनके लिए बहुत सारी चीजें उपलब्ध हैं। वीडियो लेक्चर है, स्टडी मटेरियल है, टेस्ट सीरीज है, लाइव क्लासेस हैं और डाउट सेशन भी हैं, क्योंकि मैं गूगल मीट के माध्यम से हर शनिवार और रविवार आपसे बातचीत करता हूँ, व्हाट्सएप से भी बातचीत कर सकता हूँ आप सभी से। तो मैं 24/7 आप सभी के सामने उपलब्ध रहूंगा अध्ययन सामग्री संबंधित। और ये बैच जो है 3499 का था, लेकिन मैंने कहा कि अभी जो विद्यार्थी हैं तैयारी कर रहे हैं, ग्रामीण क्षेत्र में बहुत मुश्किल हो जाता है तैयारी करना, तो इसलिए बैच का जो शुल्क है मैंने बहुत कम जो है 4 2499 ऑनली रखा हुआ है, ठीक है। यदि आप EWS है आपके पास और आप ऐसे परिवार से आते हैं जो कि निम्न मध्यम परिवार या निम्न वर्ग के परिवार है, तो उनको एक विशेष छूट है। और मैं कहता हूँ कि मेरे पूरे बैच में 6 सीट ऐसी रहती हैं जिनको मैं फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाता हूँ। वो किस आधार पर है? आर्थिक तंगी जिनके घर पर है, तो उनको मैं, 6 ऐसे लोग होते हैं जिनको मैं छांटता हूँ और उनको फ्री में पढ़ाता हूँ। तो आप सभी जुड़ सकते हैं मेरे इस निराला बैच के माध्यम से, आप सभी CVT PG हिंदी की तैयारी कर सकते हैं। आगे बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की ओर कि सिंधूर में का संधि विच्छेद क्या होता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत सारे बच्चों ने कमेंट किया था पिछली बार के ये इस शब्द का अर्थ क्या है सिंधूर में। तो सिंधूर में जो शब्द है वो दो शब्दों से मिलकर बना है। सिंधु, सिंधु हमारा क्या है? एक महासागर है सिंधु, ठीक है,
हिंद महासागर बाद में कहा गया उसको, सिंधु नदी भी है ठीक है, सिंधु सभ्यता है हमारे यहाँ। तो सिंधु और उर्मी ठीक है, ये देखिए सिंधु प्लस उर्मी, उर्मी का अर्थ क्या होता है, उर्मी का अर्थ होता है लहर, तो सिंधु की लहर को कहा जाता है उर्मी, सिंधुर्मी। तो विकल्प हमारा 3 सही हो जाएगा, जिसको ये उत्तर पता होगा कि उर्मी का अर्थ क्या है तो वो बहुत अच्छे से इसको कर ले जाएगा। अगले प्रश्न पर बात कर लेते हैं कि आचार्य भामा ने काव्य अलंकार में काव्य सृजन का मूल हेतु किसे माना है। काव्य अलंकार आचार्य भामा ने ठीक है, ये काव्य शास्त्र से है प्रश्न, भारतीय काव्य शास्त्र से प्रश्न है ठीक है, भारतीय काव्य शास्त्र से प्रश्न है। और प्रश्न है कि आचार्य भामा ने काव्य अलंकार में काव्य सृजन का मूल हेतु, आपके पाठ्यक्रम में 3 चीजें लगी हुई हैं, काव्य हेतु, काव्य हेतु, दूसरा है काव्य लक्षण, काव्य लक्षण, और तीसरा है काव्य प्रयोजन। तीसरा क्या है, काव्य प्रयोजन। तो आपके पाठ्यक्रम में 3 चीजें लगी हुई है, इसमें से उसने पूछ लिया है कि काव्य हेतु क्या है और किसका भामह का, तो आपको बताना है अभ्यास, प्रतिभा, परिणाम और व्युत्पत्ति। आपको बता दूं कि काव्य हेतु 3 होते हैं ठीक है, कौन कौन से, प्रतिभा ठीक है, अभ्यास और व्युत्पत्ति ठीक है, कितने काव्य हेतु होते हैं, 3। लेकिन भामा ने कौन सा माना है, तो भामा ने किसको माना है, भामा ने प्रतिभा को माना है। किसको माना है, प्रतिभा, प्रतिभा ऐसी होती है, प्रतिभा काव्य हेतु यह कहता है कि कुछ लोग होते हैं जन्मते जायते प्रतिभा, मतलब कुछ लोग जन्मना होते हैं जिनके अंदर प्रतिभा होती है। अगला प्रश्न यह है आपके सामने स्क्रीन पर देख सकते हैं कि सूची 1 और सूची 2 आपको मिलान करना है। अब देखिए यहाँ पे पैटर्न है ठीक है, सूची 1 है सूची 2 है, आपको ये मैच करना है। तो इस प्रकार के प्रश्नों को हम कैसे, बहुत आसान होते हैं, आप लोगों को ये प्रश्न बहुत लग रहा होगा बहुत बड़ा प्रश्न है। इसमें महादेवी वर्मा है, माखनलाल चतुर्वेदी, डॉक्टर नागेंद्र कृष्णा सोबती है, और दूसरी तरफ है चेतना के बिंब, मेरा परिवार, हम हशमत और समय के पांव। तो आपको बताना है, ये नीचे विकल्प दिए गए हैं और इनको कैसे सॉल्व करना है मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आप बताइए कि इसमें से कौन सा सही विकल्प होगा। ठीक है लीजिए, मैं यहाँ पे हट जाता हूँ, बताइए फटाक से। तो आप देखेंगे यहाँ पर महादेवी वर्मा, महादेवी वर्मा का बहुत अच्छा एक संस्मरण भी है ये, मेरा परिवार ठीक है, इसमें गिल्लू कहानी भी आप लोगों ने बहुत बचपन में पढ़ी होगी, जो एनसीईआरटी से पढ़ते हैं उन लोगों ने पढ़ी होगी। और माखनलाल चतुर्वेदी का क्या है, समय के पांव ठीक है, डॉक्टर नगेंद्र का है चेतना के बिंब, और कृष्णा सोबती का है हम हस्मत ठीक है। तो ये सारे विकल्प अब आपको बताना है यहाँ पर कि महादेवी वर्मा है जो, महादेवी वर्मा की कौन सा है विकल्प, मेरा परिवार, तो पहले का कौन सा हो गया, दूसरा विकल्प। तो पहले का दूसरा विकल्प 2 में है, यानी कि ये विकल्प गलत हो गया, ये विकल्प गलत हो गया ठीक है। पहले का विकल्प दूसरा हो जाएगा माखनलाल चतुर्वेदी, बी का विकल्प कौन सा है, चौथा, तो बी का विकल्प कौन सा है, चौथा ठीक है। सी का विकल्प कौन सा है, पहला, और डी का विकल्प क्या है, तीसरा। तो अर्थात हमारा कौन सा विकल्प ठीक हो जाएगा, दूसरा विकल्प ठीक हो जाएगा। इसमें इसके माध्यम से आप यदि 1 या 2 के उत्तर भी जानते हैं तो आप आसानी से इसको कर सकते हैं। तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वर्तमान काल का भेद नहीं है, ठीक है, सामान्य वर्तमान, पूर्ण वर्तमान, तात्कालिक वर्तमान या संपूर्ण वर्तमान ठीक है। चूंकि वर्तमान काल के जब काल पढ़ाएंगे हम आपको, तो वर्तमान काल में कुल 6 भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं, और मैं भी बताता हूँ सबके नाम, आप सभी देखिए, सामान्य वर्तमान, पूर्ण वर्तमान, तात्कालिक वर्तमान या संपूर्ण वर्तमान। तो यहाँ पे सामान्य वर्तमान तो होता है, पूर्ण वर्तमान भी होता है, तात्कालिक वर्तमान भी होता है, लेकिन संपूर्ण वर्तमान नहीं होता है। संपूर्ण वर्तमान की जगह क्या होता है, संदिग्ध वर्तमान होता है, एक संदिग्ध वर्तमान होता है, और एक वर्तमान होता है जिसको कहते हैं, हाँ तात्कालिक तो हो ही गया है ठीक है, तात्कालिक हो गया है, संदिग्ध हो गया है, संपूर्ण नहीं होता है ठीक है, एक संभाव्य वर्तमान होता है, क्या होता है, संभाव्य वर्तमान होता है, हाँ ये पूर्ण वर्तमान हो गया है, तो एक अपूर्ण वर्तमान भी होता है, अपूर्ण वर्तमान भी होता है। तो कितने वर्तमान हो गए, सामान्य वर्तमान, पूर्ण वर्तमान, तात्कालिक वर्तमान, संदिग्ध वर्तमान, संभाव्य वर्तमान और अपूर्ण वर्तमान, कुल 6 भेद होते हैं इसके।
अगला प्रश्न देख लेते हैं, वर्तमान आपको समझ में आ गए होंगे। इसी प्रकार भूतकाल के भी 6 वेद होते हैं। अब अगला प्रश्न है, देसिल बाना सब जन मिठा तौ तैसन जब औ जब ओ अवहट्टा। ठीक है, जो अवहट्ट भाषा थी उस समय की, तो अवहट्ट भाषा का इस्तेमाल कौन करता है? ये बहुत प्रचलित प्रश्न है और ऐसे प्रश्नों को आप गलती ना करें ऐसे प्रश्नों में तो बहुत अच्छा होता है। देसिल बहना सब जन मिठा, ठीक है, अपनी देशी भाषा को जब लोग बोलते हैं तो वो बहुत ही मीठी लगती है, सभी को अपनी देशी भाषा मीठी लगती है। तो ये विद्यापति का कथन है। इसका है विद्यापति का कथन है। कबीर की भाषा तो सुदुखड़ी थी, ठीक है, भाषा के डिटेटर कहे जाते थे। प्राकृत व्याकरण, प्राकृत व्याकरण के लेखक का क्या नाम है? विकल्प है हेमचंद, रोड़ा, नरपति नाल और जगनिक। तो 4 विकल्पों में से आप सभी को बताना है कि प्राकृत पेंगलम के लेखक का क्या नाम है, जिसमें है हेमचंद, रोड़ा। तो इसका सही विकल्प जो है हेमचंद्र है। क्या है? हेमचंद। हेमचंद को प्राकृत व्याकरण के का लेखक भी कहा जाता है। ठीक है, अगला है, नाथ संप्रदाय में नाथों की कितनी संख्या मानी जाती है? ये बहुत ही सरल और ऐसे प्रश्न यदि आप देखें परीक्षाओं में तो आप ना ही गलत करें तो बहुत सही होगा। 9 नाथ की संख्या मानी है। आगे एक प्रश्न है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी नहीं, रामकुमार वर्मा ने नाथों को, किन नाथों को नहीं माना है? तो ऐसा भी एक प्रश्न है। देखिए, ये प्रश्न बना है व्याकरण से। आज्ञावाचक वाक्य का सही उदाहरण इनमें से कौन सा है? आपको बताना है इसमें से कौन सा एक वाक्य है जो आज्ञावाचक है। परिश्रम से सफलता निश्चित है, परिश्रम करो सफलता निश्चित है, परिश्रम करोगे तो सफलता निश्चय ही मिलेगी, संभवतः परिश्रम से सफलता निश्चित है, या संभवतः एक प्रश्न एक आ गया। तो ये गलत हो गया। परिश्रम से सफलता निश्चित है, एक साधारण वाक्य हो गया। परिश्रम करोगे तो सफलता निश्चय मिलेगी, तो एक भविष्यगत प्रश्न है। तो जो आज्ञाकारी प्रश्न है, परिश्रम करो सफलता निश्चित है, ये एक आज्ञाकारी वाक्य हो गया। तो दूसरा विकल्प हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, 10 तस्वीरें। तो 10 तस्वीरें किस विधा की रचना है? उपन्यास, नाटक, कहानी या रेखा चित्र? आप सभी को बताएं, 10 तस्वीरें। ये देखिए, ये रेखा चित्र एवं संस्मरण है, पर किसका है ये मैं बता देता हूं। 1962 में आया था ये, ठीक है, और ये है गिरिजा कुमार माथुर का। किसका? गिरिजा कुमार माथुर का है ये, जिनका क्या है? शारदीया है। शारदीया क्या है? नाटक है। शारदीया, कोणार्क, कोणार्क, पहला राजा, पहला राजा, तो ये इनके नाटक हैं। लेकिन ये जो है आपका 10 तस्वीरें, ये रेखा चित्र और संस्मरण है। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, निम्नलिखित में से रहीम की रचना नहीं है। अब देखिए, यहाँ पे प्रश्न का पैटर्न बदल गया। यहाँ पे पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सी रचना रहीम दास जी की नहीं है? तो आपको रहीम दास जी की रचना के बारे में बताना है। नगर शोभा, नवरस, पद्मावली, मदनाष्टक, बरवे नायिका भेद और नाममाला। तो निम्नलिखित में से बताना है कौन सी रचना नहीं है। तो यहाँ पे आपके सामने विकल्प है, आपको पता है नागर शोभा रहीम दास जी की रचना है, तो ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। इसके बाद आपको ये भी पता है मदनाष्टक उनकी रचना है, तो जहाँ सी होगा वो विकल्प गलत हो जाएगा, तो पहले से हो गया है। बरवे नायिका भेद, ये भी आपको पता है कि आपकी रहीम दास जी की रचना है, जहाँ डी होगा वो भी विकल्प गलत हो जाएगा। मतलब बी और ई, यानी कि आपका नवरस पदावली और नाममाला, ये दोनों रचना रहीम दास जी की नहीं है, अर्थात ये बी और ई विकल्प आपका सही होगा। इसका विकल्प क्या हो जाएगा सही? बी और ई। अगला प्रश्न है आप सभी के सामने, इधर उपन्यासकार दिए गए हैं और इधर उधर उपन्यास, इधर उपन्यासकारों के नाम दिए गए हैं। ये भी एक पैटर्न होता है, कभी उपन्यासकारों के बारे में पूछता है, अगली बार कहानीकारों के बारे में पूछ सकता है, या फिर नाटककारों के बारे में पूछ सकता है। ठीक है, तो अभी आपको सामने है उपन्यास जिसमें श्यामा स्वप्न, मुर्दों का टीला, सोना और खून और परख। ठीक है, इन इनमें से आपको सबसे ज्यादा जो सरल लगा होगा वो लगा होगा परख। ठीक है, परख किसका है? आपने फटाक से बता दिया, सर जैनेन्द्र का है। ठीक है, तो डी का पहला विकल्प कौन सा है? तो डी का पहला विकल्प ये हो गया, अर्थात आपका दूसरा विकल्प सही हो गया। अब पहले का क्या है? दूसरा श्यामा स्वप्न किसका है? ठाकुर जगमोहन सिंह का है। ठीक है, इसके बाद मुर्दों का टीला किसका है? रांगे राघव का है। अभी मुर्दों का टीला या रांगे राघव पे नई किताब वालों ने बहुत ज्यादा अच्छा काम किया है। ठीक है, नई किताब वालों ने इन पर काफी सारी रचनाएं प्रकाशित की हैं, तो जो रांगे राघव है पर यदि कोई पुस्तक लेना चाहता तो वहां से भी खरीद सकते हैं। सोना और खून,
तो सोना और खून किसका बचा है? चतुर्सेन शास्त्री जी का है। ठीक है, तो चतुर्सेन शास्त्री बहुत बड़े व्यंग्यकार के तौर पर भी देखे जाते हैं हमारे सामने। आगे हम अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। शब्दार्थ तद दोषौ शब्दार्थौ सगुणावलंकृति पुनः क्वापि, ये पुनः क्वापि काव्य लक्षण किसका है? मैंने बताया था काव्य लक्षण काव्य प्रयोजन एवं काव्य हेतु। ठीक है, आपको पढ़ना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर आचार्य भामा, आचार्य दंडी, आचार्य मम्मट और आचार्य विश्वनाथ। जो मैं भारतीय काव्य शास्त्र पढ़ाऊंगा आप सभी को, भारतीय काव्य शास्त्र कक्षा में इन सभी के बारे में मैंने विस्तृत बातचीत की हुई है। ठीक है, तो आप सभी उस कक्षा से जुड़ेंगे तो आपको बहुत लाभ होगा। आचार्य भामा, आचार्य दंडी, आचार्य मम्मट और आचार्य विश्वनाथ। तो तद दोषौ शब्दार्थौ, तो ये मम्मट का कथन है। इनका है मम्मट, मम्मट का कथन है। मम्मट हमारे सामने 11वीं सदी के बड़े आचार्य थे। तो जो भी साथी अभी भी जुड़ना चाहते हैं तो मेरे बैच के माध्यम से जुड़ सकते हैं। और सीवीटी पाठशाला आप सभी के सामने 24/7 उपलब्ध रहता है। और अगली श्रृंखला में मैं आप सभी के सामने उपलब्ध रहूंगा एक और वीडियो के साथ, क्योंकि वीडियो थोड़ी विस्तृत है, विस्तार है। एक एक प्रश्न पर मैंने बातचीत की है और क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं। बने रहिए मेरे साथ, सीवीटी पाठशाला के साथ और निराला बैच के साथ। जय हिंद साथियों, मिलते हैं अगली वीडियो में फिर से।